गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 12th। आज हम लोग कैटलिस्ट के विषय में देखेंगे, कैटलिस्ट क्या होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के जो रेट होता है, रेट इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन कैटलिस्ट कई टाइप के होते हैं, उस हमको आज में देखेंगे। तो देखें पहले कैटलिस्ट, ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट बींग कंज्यूम द रिएक्शन बींग कंज्यूम इन द रिएक्शन कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में रेट को इंक्रीज कर देते हैं, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। ये कंज्यूम नहीं होते, जैसा यूज़ किया जाता है वैसा ही इसको बाहर निकल जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई द यूज ऑफ कैटलिस्ट, इसी हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट इंक्रीज कर जाता है उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट को टू कई मतलब कुछ पॉइंट लिखा है मैंने। ये कैटलिस्ट में भी अंडर गो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज एंड इट मे बी इवन, कैटलिस्ट जो होते हैं वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कभी कभी कर भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं, और इसमें फिजिकल चेंज हो भी सकता नहीं हो सकता है। फॉर्म टेम्परेरी केमिकल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो बनाता है टेम्परेरी भी बन सकता है, परमानेंट भी बना लेते हैं। विद द रिएक्शन बट द रिकवर्ड अंडर अनचेंज द ओरिजिनल फॉर्म फॉर्म एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की द प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता इन केस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है, जैसा यूज करेंगे वैसा इवोल्यूशन हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट बनने के बाद आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक, मतलब ये हुआ कि हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। ये नहीं कि एक रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन में कई सारे कैटलिस्ट नहीं लगा सकते।